on arrive pas loin. हम आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएमओ मकई की खेती की ओर जा रहे हैं, जिसमें वॉरेन बफेट के बेटे, अरबपति बिल गेट्स और कीटनाशकों और जीएमओ बीजों के सबसे बड़े उत्पादक मोनसेंटो ने पैसा लगाया है। सितंबर 2018, तब मुझे नहीं पता था कि युगांडा में यह सुबह मेरे पत्रकारिता करियर के अगले 3 वर्षों को आकार देगी। मुझे लगता है वहाँ फसल है। मेरे ख्याल से ये मक्का है, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता। ये रहा, यहाँ लिखा है आनुवंशिक रूप से तैयार पौधों के लिए परीक्षण स्थल और उसके आगे प्रवेश निषेध। नमस्ते, आप कैसे हैं? सुप्रभात, मुझे युगांडा में किए गए अमेरिकी निवेश में दिलचस्पी है, तो क्या हम इसके लिए यहाँ परीक्षण क्षेत्रों की 1-2 तस्वीरें खींच सकते हैं? आपको पहले डायरेक्टर से बात करनी होगी। मैं अभी डायरेक्टर से ही बात कर रही थी, वो यहाँ नहीं है। हम यहाँ आकर इस जगह को बस देख सकते हैं। नहीं, पत्रकारों के लिए प्रतिबंध है, पत्रकारों के लिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि आप क्या समझेंगे, आप क्या कवर करेंगे। आप तो जानते ही हैं कि युगांडा में क्या हो रहा है। हाँ, ये संवेदनशील है। जी ठीक है, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, गुड डे। हमने मिलने के लिए कई अनुरोध किए, अब चीजें असहज हो रही थी। उन्होंने सुरक्षा बल बुला लिया है, वे हमारा पीछा कर रहे हैं। वे हमें बाहर फेंकने वाले हैं, वे हमें ढूंढ रहे हैं। हम घबराए हुए हैं, अगर कोई खराब नीयत से आता है, किसी निर्दोष की जान जा सकती है। मौत की धमकी सिर्फ इसलिए कि हम आनुवंशिक रूप से संशोधित मकई के खेतों को फिल्माना चाहते थे। ऐसा बर्ताव क्यों? सोशल मीडिया पर सुर काफी अलग हैं। युगांडा में इस जीएमओ मकई क्षेत्र की फंडिंग की बात कर रहे हावर्ड बफेट का वीडियो ही देख लीजिए। सुप्रभात, कैसे हैं आप? मुझे याद है जब मैं पिछले साल आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये प्रोजेक्ट काम कैसे करेगा। आप जानते हैं, केवल एक ही तरीका हो सकता है कि हम यहाँ बारिश कराने वाले हैं, और उन्होंने ऐसे देखा जैसे ठीक है। आप ये कैसे करने वाले हैं? लेकिन बफेट का चमत्कार तभी मुमकिन है जब किसान नई तकनीक अपनाएं और पारंपरिक खेती छोड़ दें। एक अमीर गोरा आदमी अफ्रीकियों को ये बताता हुआ कि उन्हें क्या करना चाहिए, औपनिवेशिक युग की याद दिलाता है। इसलिए हम आशा करते हैं कि अगले कुछ वर्षों में आप कृषि में कुछ सुधार लाना सीख जाएंगे। हमें यहाँ वीडियो बनाने की अनुमति क्यों नहीं है? क्योंकि आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों की दुनिया या जीएमओ में नियंत्रण ही सब कुछ है। हर शब्द और हर तस्वीर को ध्यान से रचा जाता है, इसके लिए सोशल नेटवर्क सही मंच है। सोचिए कि अत्यधिक गरीबी में रहना कैसा होगा। आपको हमेशा कल के खाने की चिंता करनी पड़ती है। इंस्टाग्राम पर इस तरह के मक्के को अफ्रीका के लिए वरदान दिखाया गया है, क्योंकि ये भूख से लड़ने में मदद देता है। इसे आनुवंशिक रूप से संशोधित नहीं कहा जाता, बल्कि प्रतिरोधी या सूखे से बचाने वाला कहा जाता है। 10 साल से भी कम समय में सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। यहाँ अरबपति भी खुद को बेहतर इंसान, सच्चा और पारदर्शी दिखाते हैं। पारदर्शी? सच में?
हमने इन अमीर परोपकारी लोगों के दुनिया पर नजर डाली जो आनुवंशिक रूप से संशोधित अफ्रीका का सपना देखते हैं। हमने पाया कि कई जगहों पर उनका सपना पहले ही हकीकत बन चुका है। अगर आपके पास काफी पैसा है तो आप निर्धारित कर सकते हैं कि अफ्रीका जैसे विविध देशों के समूह के लिए सही रास्ता क्या होगा। $70 करोड़ के साथ इसका हिस्सा बनने पर हमारे फाउंडेशन को गर्व है। ये परोपकारी और मानवीय लक्ष्य दिखाते हैं, लेकिन असल में कुछ और ही प्रमोट कर रहे हैं। ये बड़े जोखिम वाले अनुसंधान में पैसे लगा रहे हैं जो अज्ञात है। ये असल में कृषि भू राजनीति है। हमारे शोध में ये बात सामने आई कि अगर आपके पास बहुत संपदा है तो आप दुनिया को बचा सकते हैं। लोग इसे परोपकारी पूंजीवाद कह रहे थे। विचार ये था कि परोपकार के लक्ष्यों के साथ कॉरपोरेट विकास और कॉरपोरेट लाभ कमाने के विचारों को जोड़ा जा सके, और इसमें दिक्कत है। असल में परोपकारी पूंजीवाद के युग में दुनिया को बचाना एक लाभदायक व्यवसाय है। GMO तकनीकों के चीयर लीडर्स कैसे काम करते हैं, ये समझने के लिए हम उनके पसंदीदा मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर गए। हमने अकाउंट बनाया और उनके पेज फॉलो किए। इंस्टाग्राम पर GMO के समर्थक हैं और विरोधी भी हैं, कुछ हिंसक हैं। हमें अफ्रीकी इंस्टाग्रामर डार्लिन कासिम भी मिली। अपने 24,000 फॉलोअर्स के साथ वो इस प्लेटफॉर्म की मदद से अपने मकसद को आगे बढ़ा रही हैं। मैं डार्लिन कासिम हूँ। एक साल पहले मैंने एक पर्यावरण संगठन की शुरुआत की थी। आइवरी कोस्ट की यह युवा कार्यकर्ता इको फेमिनिस्ट हैं। वह पर्यावरण संरक्षण और महिला अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। हमारे समाज में प्रकृति और महिला दोनों का ही शोषण किया जाता है, साथ ही उन्हें बेहद कम अहमियत दी जाती है। हमने उनसे जमीन पर और इंस्टाग्राम दोनों जगहों पर शोध में मदद मांगी ताकि पता लगाया जा सके कि उनके महाद्वीप पर क्या हो रहा है। केवल 3% अफ्रीकी खेत GMO क्षेत्र हैं। लैटिन अमेरिका के 6-7 करोड़ हेक्टेयर की तुलना में 4 करोड़ हेक्टेयर से भी कम। नतीजतन यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, एक नई सरहद। इसकी शुरुआत 1997 में हुई जब दक्षिण अफ्रीका GMO की इजाजत देने वाला पहला अफ्रीकी देश बना। 2 दशक बाद आज इस देश में सोया, मक्का और कपास की फसलें आनुवंशिक रूप से लगभग 100% संशोधित हैं। तब से बाजार का विस्तार हो रहा है। इस्तेमाल के पानी या इंटरनेट जैसी तकनीकी प्रगति के साथ GMO महाद्वीप पर हर जगह छा रहा है, जैसे तंजानिया, केन्या, युगांडा, सूडान, मिस्र, नाइजीरिया, बुर्किना फासो और आइवरी कोस्ट। अभिजान आइवरी कोस्ट की आर्थिक राजधानी, यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग बढ़ रही है, हालांकि इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। डार्लिन कासिम हमारी गाइड हैं। ऐसे बाजारों में विक्रेताओं से ये पूछने का कोई फायदा नहीं है कि उनके उत्पाद आनुवंशिक रूप से संशोधित हैं या नहीं। क्या आप GMO समझते हैं? GMO? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्या? क्या आप GMO समझते हैं? GMO? GMO? मुझे नहीं पता। यहाँ लोगों को GMO के बारे में नहीं मालूम, जैसे आनुवंशिक रूप से संशोधित फल और सब्जियाँ। दूसरी ओर ये कार्यकर्ता पारंपरिक अफ्रीकी कृषि को होने वाले खतरे अच्छी तरह जानते हैं।
हमारी खेती बहुत जटिल नहीं है। किसान साधारण औजारों से काम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इससे लोगों के पेट भरते हैं। साफ सुथरी मानवीय खेती। और जाहिर है कि ये खतरे में है। पश्चिम अफ्रीका आर्थिक रूप से अब भी बहुत विकसित नहीं है, इसलिए उन्हें इस बाजार को हथियाने का मौका दिखाई पड़ता है। आइवरी कोस्ट में 2016 तक जीएमओ पर प्रतिबंध था, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समूह ने एक समझौते के साथ सरकार से संपर्क किया। उन्होंने खेती, खासकर चावल उत्पादन में बड़े निवेश का वादा किया। उन्होंने भूख से लड़ना अपना लक्ष्य बताया। बदले में वे चाहते थे कि सरकार आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधों पर शोध और इनकी बिक्री की अनुमति दे। हम किसान बहुत हैरान थे जब हमने सुना कि आइवरी कोस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए खुल रहा है। चूंकि इस कानून पर ज्यादा बात नहीं की गई थी, इसलिए हम नहीं जानते थे कि किन बातों की अनुमति दी गई है। लेकिन जाहिर है कि कानून इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खुली छूट देता है। उनके काम को इनाम मिला है। ये असल में कृषि भू राजनीति है। दानदाताओं ने ठोस तर्क रखे, इनके बूते सूखा और कुपोषण खत्म हो जाएगा। आनुवंशिक रूप से संशोधित खेती को बढ़ावा देने वाले अमीरों में एक व्यक्ति सबसे अलग है, बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक को जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्रिस्टोफर कोलंबस के रूप में देखा जा सकता है। उनकी संस्था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन करीब 50 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया की सबसे अमीर संस्थाओं में से एक है। इंस्टाग्राम पर बिल गेट्स के 70 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो अपने प्रशंसकों के लिए अमीर और मशहूर दोस्तों के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट करते हैं। करीब 20 वर्षों से और खासकर महामारी के दौर से जब भी टीकाकरण, स्वास्थ्य और खेती की बात आती है तो वो हर जगह नजर आते हैं। वो अपने समाधानों का भी प्रचार करते हैं। उन्हें यकीन है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित खाने से अफ्रीका में भूख मिटाई जा सकती है। ज्यादातर यूरोपीय लोगों ने इसे इस्तेमाल न करने का फैसला किया है। ये ठीक भी है क्योंकि वे कुपोषण और भुखमरी का सामना नहीं कर रहे हैं। अगर वे किसी खास तरह के खाने के लिए ज्यादा पैसे देना चाहते हैं तो ये बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से अफ्रीकी देश ये चाहेंगे कि उनके लोगों के पास भरपेट खाना उपलब्ध हो। हमें तय करना होगा कि दुनिया में क्या जरूरी है। मैं ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और रोग उन्मूलन की ओर देख रहा हूँ। बिल गेट्स के शब्दकोश में एक महत्वपूर्ण शब्द नहीं है, ये है परोपकारी पूंजीवाद। विचार ये था कि परोपकार के लक्ष्यों के साथ कॉर्पोरेट विकास और कॉर्पोरेट लाभ कमाने के विचारों को जोड़ा जा सके। इसमें समस्या है क्योंकि इससे लोगों में धारणा बन रही है कि टेक अरबपति किसी तरह हमें बचा लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वे ऐसा नहीं करेंगे और उनके कुछ काम पर्यावरणीय गिरावट की दिक्कतें बढ़ाते हैं। बिल गेट्स ने एक अहम समस्या पर काम शुरू किया है। वो अफ्रीकी कसावा को होने वाली बीमारियां मिटा देना चाहते हैं, जिसे वो दुनिया की सबसे मजेदार सब्जी कहते हैं। पर कैसे? हमेशा की तरह एक तकनीकी चमत्कार से। ये प्लांट क्लिनिक है। लैब पर कड़ा पहरा है। किसी को नहीं पता कि बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है। क्या आपके पास कोई दिशा निर्देश है जिससे जीएम कार्यक्रम को पैसे देने पर रोक लगे?
मैं हैरान हूँ कि यूरोपीय संघ इस परियोजना में शामिल होगा। बिल गेट्स ने अबिजान के पास एक लैब में $1.5 करोड़ लगाकर दुनिया की सबसे मजेदार सब्जी के छोटे से छोटे कण तक का विश्लेषण कर लिया। इस शोध केंद्र ने अपने काम के अजीबोगरीब वर्णन की वजह से हमारा ध्यान खींचा। सुप्रभात सभी को। क्या निकाल रहे हो? कसावा पत्ते का डीएनए। ये कैसा सैंपल है? ये वेव यानी वेस्ट अफ्रीकन वायरस एपिडेमियोलॉजी की लैब है। इसे 2015 में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के पैसों से खोला गया था। वेव प्रोग्राम की मौजूदगी इंस्टाग्राम पर भी है। यहाँ इसके उदार दान दाताओं और वैज्ञानिकों की तस्वीरें हैं जो 10 अफ्रीकी देशों में कसावा को कीटों, सूखे और वायरस से बचाने का इलाज ढूंढ रहे हैं। ये प्लांट क्लिनिक है। यहाँ हम एक सेल से ठीक वैसा ही पौधा बना सकते हैं लेकिन बीमारी मुक्त। कसावा को बचाने के लिए बिल गेट्स कौन सा चमत्कारी इलाज ढूंढ रहे हैं? क्या आप पश्चिम अफ्रीका में जीएमओ कसावा लाने की तैयारी में हैं? नहीं, यहाँ जीएमओ की बात नहीं है। हालांकि सभी परिस्थितियाँ अनुकूल होने और जरूरत होने पर मैं ट्रांसजेनिक पौधों के पक्ष में हूँ। अभी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। यहाँ लैब का नाम ही सब बयां कर रहा है। ये आनुवंशिक वृद्धि कक्ष है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। ये 6 महीने में चालू हो जाएगा। क्या इसका मतलब है कि आप 6 महीने में आनुवंशिक सुधार करने शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम केवल तकनीक सीख रहे हैं। दोनों में फर्क है। हम खुद को नई तकनीकी प्रक्रियाओं जैसे क्रिस्पर वगैरह के लिए जितना हो सके तैयार रखते हैं। प्रोफेसर इस बात से घबरा रहे हैं। क्रिस्पर जीन में हेर फेर का नया तरीका है जिसे जीनोम एडिटिंग कहते हैं। आज इस नई तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग में 2 तरह की जीनोम एडिटिंग होती है। पहली है जेनेटिक सीजर, क्रिस्पर। ये जीनोम के अनचाहे हिस्से को काट देती है लेकिन बालों से उलट ये हिस्सा दोबारा नहीं बढ़ता। ये हमेशा के लिए चला जाता है। और कोई नहीं जानता कि पौधे पर इसका क्या असर हो सकता है। दूसरी तकनीक जीन साइलेंसिंग है। इसमें कुछ काटा नहीं जाता। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए इसका खराब हिस्सा किसी कृत्रिम चीज से छिपा दिया जाता है। और ये सिर्फ छिपाता नहीं है, जीन साइलेंसिंग पौधे की संरचना बदल देता है जिसे म्यूटाजेनेसिस कहते हैं। क्लासिकल जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम ट्रांसजेनेसिस की बात करते हैं। इसमें किसी पौधे या जानवर में उस प्रजाति से बाहर का जीन ट्रांसप्लांट किया जाता है ताकि उसमें वे विशेषताएं आ जाए जो पहले नहीं थी। नई तकनीक जीन ट्रांसप्लांट किए बिना ही पौधे की संरचना बदल देती है, इसलिए समर्थक इन्हें आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव नहीं मानते क्योंकि जीन में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन हमारे लिए सिद्धांत एक ही है। यूरोपीय संघ का न्यायालय इसे एक ही नजर से देखता है और आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों और नियंत्रित म्यूटाजेनेसिस से बने जीवों को एक समान रखता है।
issus de la mutagenèse dirigée étaient aussi des OGM. यूरोपीय न्यायालय के फैसले के मुताबिक यूरोपीय संघ को वेव प्रोग्राम को रद्द कर देना चाहिए, लेकिन हमें पता चला कि प्रोफेसर पीता और उनके टीम को यूरोपीय संघ से पैसा मिला है। शोध केंद्र जाने पर प्रोफेसर पीता ने हमें एक कमरा दिखाया और शायद उन्होंने ईयू फंड्स के बारे में कुछ कहा। मेज और बाकी सब सामान पहले ही ऑर्डर हो चुके हैं। हमें यूरोपीय संघ का सहयोग मिला है, जिसकी वजह से हमारी लैब उपकरण खरीद पा रही है। चलिए उनके प्रोजेक्ट ढूंढते हैं। वेव फंडिंग और को फाइनेंसिंग, 5 वर्षों में यूरोपीय संघ से 50 लाख। 50 लाख? यूरोपीय संघ एक ऐसी लैब का समर्थन कर रहा है जिसके शोध को उन्हीं की अदालत ने खतरनाक कहा है। हम कई हफ्तों से इस फंडिंग के लिए जिम्मेदार यूरोपीय संघ की आयुक्त युत्ता और पिलाइनेन का इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं। क्या आप युत्ता और पिलाइनेन के बारे में कुछ बता सकती हैं? अगर कुछ वक्त मिले तो हम उनका इंटरव्यू ले सके। मेरी अभी उनसे बात नहीं हो पाई है, इसलिए मैं आपको बाद में बता पाऊंगी। जब हम आइवरी कोस्ट में शूटिंग करने गए थे, तब हमें पता चला कि वे क्रिस्पर, जीन एडिटिंग या ऐसी ही नई तकनीकों के इस्तेमाल की योजना बना रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा भी है कि ये तकनीकें यूरोपीय संघ के समर्थन से ही बनाई जा रही हैं। तो दरअसल हम इसलिए कॉल कर रहे हैं। ठीक है, सच कहूं तो अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट की विशेषज्ञ नहीं हूं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले हम अपनी तरफ से इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे और फिर यकीनन हम एक ठोस जवाब के साथ आपको बताएंगे। हाँ, लेकिन क्या आपके पास कोई दिशा निर्देश है जिसमें GM कार्यक्रम को पैसे देने पर रोक हो? हमें इसके बारे में पता करना होगा। मुझे हर चीज के निश्चित दिशा निर्देशों की जानकारी नहीं है। मुझे मालूम नहीं, हमें जांच करनी होगी। मैंने अभी ये बात सुनी है और हमें सब कुछ जांचने की जरूरत है। यहाँ तक कि यूरोपीय संघ की पाई पाई का हिसाब रखने वाले NGO को भी ये नहीं पता था कि वेब प्रोजेक्ट कसावा के आनुवंशिक संशोधन पर काम कर रहा है। मुझे हैरानी है कि यूरोपीय संघ ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल है। हम जानते हैं कि वो अफ्रीका में GMO के विकास का समर्थन नहीं करता। यहाँ 2014 से विकास और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता कानून है, जिसके तहत फ्रांस अफ्रीका में GMO के अनुसंधान, उत्पादन और व्यापार पर पैसे न लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये बहुत निराशाजनक है। आखिरकार आयोग ने ईमेल में जवाब भेजा कि आइवरी कोस्ट में ट्रांसजेनिक पौधों या जानवरों पर काम करने वाली कोई लैब नहीं है और यूरोपीय संघ के पैसों से खरीदे गए उपकरण आधुनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों के लिए सही नहीं है। एक तरफ यूरोप 50 लाख यूरो के अपने योगदान को छिपा रहा है, साथ ही वो बिल गेट्स द्वारा अनुसंधान के लिए दिए गए $1.5 करोड़ की अनदेखी कर रहा है। अफ्रीका में जेनेटिक इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाने के लिए इतना काफी है। अफ्रीकियों पर गेट्स फाउंडेशन के फैसले थोपे जा रहे हैं और उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं है। गेट्स की व्यवस्था का राज उसकी वित्तीय संरचना में है। उनके $50 अरब का निवेश कैसे किया गया है? फिर उस पैसे को कई कंपनियों, खासकर शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। इसे ऐसे किया जाता है जैसे गेट्स पर सबको अंधा भरोसा हो। मसलन गेट्स फाउंडेशन अफ्रीका में जो पैसा लगाता है, वो कई कंपनियों में शेयर धारक के रूप में प्राप्त लाभांश से आता है। हाँ, ज्यादातर फाउंडेशन के दान का काम इसी तरह चलता है। मुनाफा तो आता ही है, और ये सिर्फ मुनाफे की बात नहीं, ये भी है कि उनके पोर्टफोलियो का निवेश कैसे किया जाता है। आपकी पूंजी उन कंपनियों को अपने ही शेयरों के लिए उधार दी जाती है, इसलिए इस चंदे में अलग अलग कंपनियों की हिस्सेदारी होती है।
गेट्स फाउंडेशन के निवेशों और इस तरह मुनाफे की सूची में अमेज़न, एप्पल, कोका कोला या जर्मनी की सबसे बड़ी रासायनिक कंपनी और आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों की सबसे बड़ी विक्रेता BASF जैसे प्रमुख कॉरपोरेशन हैं। गेट्स फाउंडेशन के पास BASF के 70 लाख डॉलर से ज्यादा कीमत के शेयर हैं। अमेज़न के मुनाफे का एक हिस्सा गेट्स फाउंडेशन में भी जाता है। कोका कोला के मुनाफे में भी यही है। जेनेटिक बीजों की बिक्री से BASF की कमाई का कुछ हिस्सा भी फाउंडेशन में जाता है। आइए अब मंच पर बिल गेट्स का स्वागत कीजिए। सरकार को आज बिल गेट्स की योजनाओं को ना कहने में काफी तकलीफ होती है। बेहतर जीवन क्षमता के लिहाज से, मजबूत बनने के लिहाज से, शायद जल्द विकसित होने के लिहाज से, इससे हमारा शक बढ़ता ही है। माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व प्रमुख ने अफ्रीका में एक और जगह ढूंढ ली है जहां वो जेनेटिक इंजीनियरिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि बिल गेट्स को वायरस और मच्छर पसंद नहीं है। वो बीमारी जो रोजाना हर दूसरे मिनट एक बच्चे की जान लेती है, इसलिए उन्होंने हमेशा की तरह मलेरिया को जड़ से मिटाने का मन बना लिया है। बहुत सारे पैसों और वैज्ञानिक अनुसंधान की मदद से बीमारी के खिलाफ लड़ाई में गेट्स को सरकार की ताकत का फायदा भी मिलता है, जैसा लियो में अक्टूबर 2019 में देखने को मिला। दुनिया के कई राष्ट्र प्रमुखों ने मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में आर्थिक सहयोग देने का ऐलान किया और पैसे इकट्ठा कराने वाले इस सुपरस्टार को पहली कतार में सीट मिली। अंग्रेजी में एक पुराना चुटकुला है, 800 पाउंड का गोरिल्ला कहाँ बैठता है? इसका जवाब है, वो जहाँ भी चाहे। बिल 800 पाउंड के वो गोरिल्ला हैं, जिन्हें G20 के देश अपनी बैठकों में बुलाकर सीट दे रहे हैं, जैसे वो कोई देश हो। ये परोपकारी पूंजीवाद का बड़ा खतरनाक पक्ष है कि अगर आपके पास खूब पैसा है तो आप तय कर सकते हैं कि अफ्रीका जैसे अलग अलग देशों के समूह के लिए सही रास्ता क्या है। मैं बिल गेट्स और उनके फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वो इस मीटिंग में मौजूद हैं। वो पहले भी यहां आए हैं और आज यहां हमारे साथ हैं। बड़े दानदाताओं को अगले 3 वर्षों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान करने के लिए न्योता दिया जा रहा है। यूरोपीय संघ 50 करोड़ यूरो दान करेगा, 1.4 अरब पाउंड, 84 करोड़ डॉलर, 93.4 करोड़ कनाडाई डॉलर, 10 लाख अमेरिकी डॉलर, 60 लाख अमेरिकी डॉलर, 60 लाख अमेरिकी डॉलर, 15 लाख अमेरिकी डॉलर, 1.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर, 10 लाख अमेरिकी डॉलर, 10 लाख अमेरिकी डॉलर। हम बिल गेट्स से सिर्फ कुछ कदम ही दूर हैं और हमारे पास हजारों सवाल हैं, लेकिन बिल गेट्स की दुनिया में सब सुनियोजित है और हम उनके एजेंडे में नहीं हैं। आइए अब मंच पर बिल गेट्स का स्वागत कीजिए। बिल गेट्स के अलावा कौन है जो EU की बात पलट सकता है? 70 करोड़ डॉलर के साथ इसका हिस्सा बनने पर हमारे फाउंडेशन को गर्व है। अफ्रीकी नेता और किसके लिए खड़े होकर तालियां बजा सकते हैं? हम नए तरीके की मच्छरदानी पर काम कर रहे थे और आज हमारे पास इंटरसेप्टर G2 हैं। ये अभी नए हैं, लेकिन अगले साल तक ये लाखों में आ जाएंगे। गेट्स को जिन मच्छरदानी पर बहुत गर्व है वो BASF ने बनाई है। ये उनकी हिस्सेदारी वाली कंपनियों में से एक है।
हमारा फाउंडेशन BASF के साथ काम कर रहा है। गेट्स फाउंडेशन के पास अफ्रीका के सुदूर गांवों में भी मलेरिया से लड़ने के लिए मच्छरदानी भेजने का पैसा है, जैसे आइवरी कोस्ट का ये गांव। इन मच्छरदानी का उपयोग करें, ये मच्छरों के काटने और मलेरिया से बचाती है। मुझे मलेरिया के बारे में पता है, मुझे हर 3 महीने में अटैक आता है। यहाँ इस दूर गांव में बीमारी का इलाज माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक के दान से होता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बिल गेट्स मच्छरों से लड़ने के नाम पर काफी अजीब परियोजनाओं में चुपचाप पैसा लगा रहे हैं। गेट्स फाउंडेशन ऐसी ही एक अजीब परियोजना में $15.5 करोड़ का भारी निवेश कर रही है। इसका लक्ष्य जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से मच्छरों में बदलाव करना है, ताकि वे मलेरिया न फैला सकें। इस प्रोजेक्ट का नाम है टारगेट मलेरिया। एक गैर लाभकारी वैश्विक अनुसंधान नेटवर्क के रूप में टारगेट मलेरिया का लक्ष्य लाखों लोगों की जान बचाना है। हम इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई को नई दिशा दे रहे हैं। हमारे शोधकर्ता मच्छरों के अंडों में जीन डाल देते हैं, जिससे वे बांझ हो जाएं। ये वीडियो आपको बिल गेट्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नहीं मिलेगा, लेकिन पश्चिम अफ्रीका में परीक्षण से पहले ही प्रयोग हो चुका है। बुर्किना फासो, जिहादी आतंकवादी समूहों से भरा देश। बहरहाल हम देश के दूसरे सबसे बड़े शहर बोबो डियोलासो का रुख करते हैं। इधर 1 जुलाई 2019 को सरकार ने टारगेट मलेरिया को जेनेटिक मच्छरों से आजाद करने की अनुमति दे दी, अफ्रीका महाद्वीप में शायद पहली बार। दुर्भाग्य से टारगेट मलेरिया ने ऑपरेशन को फिल्माया नहीं। सरकार इजाजत दे या नहीं, हम मेयर से बात करने वाले हैं। टारगेट मलेरिया ने हमसे संपर्क किया। हमने ये समझा कि मादा मच्छरों को बांझ बनाया जाएगा, क्योंकि वही मलेरिया फैलाती है। अब चूंकि मैं वैज्ञानिक तो हूँ नहीं, तो मैं ये नहीं बता सकता कि आनुवंशिक रूप से संशोधित ये मच्छर दूसरी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं या नहीं। आप जानते हैं कि ब्राजील में भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मेयर ब्राजील प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं। सितंबर 2019 में विज्ञान पत्रिका नेचर ने शोधकर्ता जेफरी पॉवेल की एक रिपोर्ट छापी जो काफी चिंताजनक थी। मैं ब्राजील के रियो दे जनेरो में लोगों के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा हूं, और मैंने याकोबिना में चल रहे इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना, जहां वे ऑक्सीटेक छोड़ते हैं। तो मुझे लगा, ठीक है, अगर वे ऐसा नहीं कर रहे हैं तो शायद हमें देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। तो हुआ ये कि आप और आपकी टीम ने आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों को पकड़ लिया, ये देखने के लिए कि उनके साथ क्या हुआ, है ना? हाँ, हम जांचना चाहते थे कि नए जीन वाले जो मच्छर छोड़े गए हैं, क्या उनमें से कोई भी अब प्राकृतिक आबादी में शामिल है या नहीं, और हमने यही पाया। जीन मॉडिफिकेशन का प्रयोग 2 बार फेल हुआ। पहला, मच्छरों को जड़ से मिटाया नहीं जा सका। दूसरा, मॉडिफाइड मच्छर जब पुराने मच्छरों के साथ मिले तो उनमें मॉडिफाइड जीन डाल दिए। जेफरी पॉवेल को डर है कि मच्छर अब और ताकतवर हो सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि वे किस लिहाज से और ताकतवर हो सकते हैं? बेहतर जीवन क्षमता के लिहाज से, मजबूत बनने के लिहाज से, शायद जल्दी विकसित होने के लिहाज से। मुझे लगता है कि ये सभी चीजें कई बार आप हाइब्रिड बनाते समय देख पाते हैं। जैसे वे जल्दी विकसित होते हैं, वे जल्दी बड़े हो सकते हैं, वे लंबे समय तक जीते हैं, वे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं।
यूं तो ब्राजील में चल रहे प्रयोग का आर्थिक संबंध नहीं है, लेकिन टारगेट मलेरिया उसी वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। क्या बुर्किना फासो में भी मच्छर मॉडिफाई हो जाएंगे? वहां के अधिकारियों ने इस बारे में नहीं सोचा था जब तक हमने जिला मेयर को जेफरी पॉवेल की रिपोर्ट नहीं दिखाई। अब मैं लोगों को टारगेट पर बुलाऊंगा। मिस्टर मेडा जी, नमस्ते। फोन पर है टारगेट मलेरिया के जनसंपर्क प्रमुख। क्या मैंने ब्राजील के बारे में सच सुना है? ब्राजील में मच्छर रिलीज तो किए गए हैं, लेकिन इसका हुआ क्या यह मैं नहीं बता सकता। हमें मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, उनका कहना है उन्हें नहीं पता कि ये कैसे हुआ। मुझे ये चिंता की बात लगी, क्योंकि अगर ये वही प्रोजेक्ट है और एक विशेषज्ञ होकर भी उन्हें नहीं पता है तो इससे हमारा शक और बढ़ता है। हम कम से कम ये निगरानी कर सकते थे। मैं नहीं चाहता कि यहाँ के लोग गिनी पिग की तरह इस्तेमाल हों। मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। अगर ये सच में वही परियोजना है तो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। हमारे कैमरे के सामने प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी मेयर के ऑफिस आते हैं। नमस्ते, मैं पत्रकार हूं और आरटे में काम करता हूं। हम यहां टारगेट मलेरिया के बारे में बात करने आए हैं। मुझे प्रेस से बात करने की इजाजत नहीं है। कुछ महीने बाद टारगेट मलेरिया ने हमें बताया कि जंगली मच्छरों में मॉडिफाइड जीन पहुंच सकता है, लेकिन इससे कोई खतरा नहीं है। कार्यकर्ता गोपनीयता की आलोचना करते हैं, जैसे गेट्स फाउंडेशन के तौर तरीके जिससे प्रोजेक्ट को पैसा मिल रहा है। हम यहाँ उगादोगो में जोसेफ किज़ेर्बो विश्वविद्यालय में हैं, और ये संस्थान जनसंख्या विज्ञान के लिए है। यहाँ लिखा है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को धन्यवाद, जिन्होंने जनसंख्या विज्ञान संस्थान के बनने में मदद की। यह फाउंडेशन बुर्किना फासो में हर तरह की चीजों में अरबों लगा रहा है। मुझे लगता है कि मेरा देश इस पैसे से परेशान है। बुर्किनाबे सरकार को बिल गेट्स की योजनाओं को ना कहने में दिक्कत हो रही है। कॉर्पोरेट के नजरिए से, राजनीतिक या आर्थिक निगाह से देखें, तो गेट्स फाउंडेशन पश्चिमी उत्पादकों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। जब वे कहते हैं कि उनका लक्ष्य ग्लोबल इक्विटी को सुधारना है, तो लोगों को ये समस्याजनक लगता है। इसी वजह से अफ्रीका जैसी जगहों में बहुत सारे लोग जीएमओ को लेकर आशंकित हैं। क्या बिल गेट्स, जो असहज सवालों को अनदेखा करते हैं, एक अफ्रीकी एक्टिविस्ट के सवालों के जवाब देंगे? डियर मिस्टर गेट्स, मेरा नाम डार्लिन कासिम है। मैं आइवरी कोस्ट की युवा जलवायु कार्यकर्ता हूँ। मुझे लगता है कि आपके फाउंडेशन को अफ्रीका में सिर्फ जीएम पर काम नहीं करना चाहिए। आपकी आभारी। हेलो डार्लिन, आपके सवालों के लिए शुक्रिया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन नए उपकरणों में निवेश करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों का जीवन बेहतर बनाने की ताकत है। हम सुरक्षित, नैतिक और पारदर्शी अनुसंधान के लिए काम करते हैं, जिनमें जीन एडिटिंग के साथ साथ संभावित बदलाव वाली और भी तकनीकें हैं। धन्यवाद मीडिया रिलेशंस टीम, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये परिवर्तनकारी तकनीकें गेट्स फाउंडेशन के पैसों से चल रही हैं, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र भी कुछ नहीं कर पाता। बिल गेट्स संयुक्त राष्ट्र से भी शक्तिशाली हैं। फाउंडेशन और टारगेट मलेरिया प्रोग्राम के सैकड़ों आंतरिक ईमेल तो यही कहते हैं, जिन्हें एक अमेरिकी विसल ब्लोअर ने लीक किया।
इससे हमें पता चला कि गेट्स फाउंडेशन ने एक लॉबिंग एजेंसी को 16 लाख डॉलर दिए। उनका लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिकों को जीन ड्राइव या मच्छरों की जेनेटिक इंजीनियरिंग पर काम करने के लिए मनाना था। ऐसा लगता है कि लॉबिंग एजेंसी सफल रही। इस ईमेल में प्रोग्राम के लीडरों ने लिखा कि संयुक्त राष्ट्र ये प्रक्रियाएं रोकने की वकालत नहीं करता है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक 17 दिसंबर को खत्म हुई और इसमें जीन ड्राइव को रोकने या इस पर प्रतिबंध लगाने का कोई फैसला नहीं लिया गया। ये हमारे लिए अच्छा है। इस अमेरिकी अरबपति के प्रयोग करने की इच्छा को कोई भी, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी भी नहीं रोक सकते। किसी में ये कहने की हिम्मत नहीं कि अगर आप गलत हुए तो क्या। मिस्टर गेट्स, क्या होगा अगर मच्छर म्यूटेट हो गए? क्या होगा अगर आनुवंशिक रूप से संशोधित कसावा हवा या सूरज बर्दाश्त न कर सके? फिर अफ्रीका का क्या होगा? ये जरूरी सवाल हैं। हमने इन्हें संयुक्त राष्ट्र में रखा। हाय, क्या आप मीडिया प्रभारी हैं? जी। अच्छा, दरअसल मुझे पता चला है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इन लॉबिंग फर्मों को कुछ पैनल सदस्यों की भर्ती के लिए पैसा दिया है। मैं सोच रहा था कि क्या इस फैसले ने वैज्ञानिकों की इस तरह की भर्ती को प्रभावित किया है या नहीं। आपने शोध किया है तो ये ठीक है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं इस फाउंडेशन से जुड़ा नहीं हूँ, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि ये मेरे दायरे से बाहर है। हाँ बिल्कुल, हमारे इंटरव्यू के महीनों बाद भी बिल गेट्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है।